ओके नमस्कार आप सभी का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुरभि स्वर संगम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग एक कव्वाली सीखने वाले हैं। जैसा कि अभी ईद आने ही वाली है तो कई सारे लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर ये वाले जो कव्वाली है वो सिखाइए। तो उसका स्टार्टिंग का एक शेर है और उसका जो स्थाई अंतराय का जो नोटेशन है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप लोग अपने बैंजो को ए शार्प पर ट्यून कर लीजिए। तो ये जो बटन है आपका, ये हमारा काली चार बन जाएगा, ठीक है। ये काली दो हो जाएगा और ये काली चार बन जाएगा। तो ए शार्प पर आप लोग ट्यून कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग दरबारी राग देखेंगे। सा धनी रे सा रे ग म प प द प म ग रे ग स ध धनी रे सा। तो सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ठीक है। अभी मेरा हाई रेंज उतना नहीं है तो मैं नीचे ही गाऊंगा, बट सुर ऊपर के आपको इस तरीके से बजाने हैं। ओके तो इसकी जो स्टार्टिंग है किस तरीके से होगी एक बार देख लीजिए। स्टार्टिंग का जो शेर है, अजमेर की हर एक गली गली दुल्हन की तरह से सजती है। उसके बाद और ख्वाजा के दरबार में महफिल, ठीक है। एक मिनट, जाके दरबार में महफिल तन की सजती है। ये है शेर। तो इसका नोटेशन देखिए, प से शुरू होगा तो प से डायरेक्ट ग कोमल पे गया है। अजमेर की हर एक गली गली में, गली गली सॉरी में नहीं है। तो पगा गा 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 रे सा रे सा नी, गली 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 गा गा रे रे नी गा गा रे रे नी, रे पे करने सागा रे नी गा गा रे रे नी। उसके बाद दुल्हन की तरह से सजती है। तो नीनी रे सा नी नीनी रे, रे पे कण है सा का, नीनी रे सा नी सा ध म प प प दुल्हन की तरह से सजती है, ठीक है। और ख्वाजा के तो पापा धामा गरे, और ख्वाजा के दरबार में, तो दर दरबार में रे रे सारे पमगरे। प्लेक्ट्रम नहीं माना क्योंकि दरबार में, दरबार का जो बा है उसको अलंकृत किया है। दरबार में, ठीक है। देन और ख्वाजा के दरबार में महफिल रे रे पंजे तन की सजती है, गा सा रे नी सा सा सा, ठीक है। ये तो हो गया स्टार्टिंग का शेर। अब उसके आगे इसके जो लिरिक्स है एक मिनट में देख लेता हूँ। ए दुनिया वालों,
इस महफिल चिश्ती में तो सागा पा कोडिंग पैटर्न सागा पा धसा मा पा पा हे दुनिया वालो देन इस महफिल चिश्ती में नी नी रे गा पा रे सा सागा पा धसा पा सॉरी सागा पा धसा मा पा पा नी नी रे गा पा रे सा इस महफिल चिश्ती में देन उसके आगे तो धा और नी है लेकिन धा पे कर्ण है नी का और नी पे खटका है सागर लेकिन प्लेक्ट्रम में एक ही माना है दुनिया वालों है ना तो धनी धा देन सा 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 धनी नी धा पा ठीक है तो पहली लाइन तो ये हो गई हे दुनिया वाले इस महफिल चिश्ती में देन उसके बाद यहां थोड़ा सा देखिएगा नूरानी जलवा देखो नूरानी जलवा देखो तो पापा गा सागा नूरानी जलवा देखो अब देखो का सुर देखिए तो पानी धा सा नी धा देखो एक ही प्लेक्ट्रम में बजाना है पूरा देखो तो पानी और फिर धा शुद्ध आ जाएगा पानी धा सा नी धा फिर कोमल धा आ जाएगा तो धा शुद्ध भी और धा कोमल भी है तो पानी धा सा नी धा देखो नूरानी जलवा दे ठीक है देन आगे खुशियों की लहर दौड़ी बहुत ज्यादा ऊंचा है मेरे लिए खुशियों की लहर सॉरी खुशियों की लहर दौड़ी तो पा 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 धसा गा सा नी धा धसा गा सा नी धा खुशियों की लहर दौड़ी देन हर एक हर एक एक निस्बत में
ठीक है, देन उसके बाद हाँ झूम झूम के बस ये कहते हैं मस्ती में, तो सा 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 नी रे रे, हाँ झूम झूम के सब ये कहते हैं, ये कहे तो रेगा सागा, ये कहते हैं बर मस्ती में, तो रेगा सागा साधनी धापा, ये कहते हैं मस्ती में। फिर वही दूल्हा बना है ख्वाजा अजमेर की, ठीक है, तो वही नोटेशन आ जाएगा, सागा पा दसा नी पा पा, सॉरी सागा पा दसा मा पा पा, नी नी रे गा पा रे सा रे सा, सागा पा दसा मा पा पा, नी नी रे गा पा रे सा रे सा, दूल्हा बना है ख्वाजा अजमेर की मस्ती में, ठीक है। और इसके बाद जो अंतरा है, अंतरा के जो अलग अलग जो लिरिक्स हैं वो सेम इसी टोन पर आधारित है, कोई अलग उसमें नहीं है। बाकी बीच बीच में जो थोड़ा सा बहुत जो बैंजो का म्यूज़िक है वो तो आप अपने हिसाब से अलग अलग अपने अंदाज में आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन जो इसकी लाइन थी स्थाई अंतरे की वो मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग का थोड़ा सा शेर जो है वो मैंने आपको बताया, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा और क्या आप लोग चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग प्रॉपर तालीम लेना चाहते हैं बैंजो की स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक लेसन से लेकर के एडवांस लेसन तक, यदि आप लोग बैंजो सीखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर मेरा नंबर चल रहा है 8435737474, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग बैंजो भी परचेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।